अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और मेरे साथ मौजूद है हसन राहत और खुश आमदीद हमेशा की की तरह। तरह। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं अपने हसबे हाल और रिएक्शन एक्सप्रेस के ऊपर, और आप देख रहे होंगे कि मोमी की जगह कोई और क्यों नज़र आ रहा है, तो उसका भी मैं बताने वाला हूँ। और पहले तो आपसे साथ माजरत कि एक बहुत ही अरसे बाद हम दोबारा स्क्रीन पर जलवागर हैं, और आपको आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। और अब बहुत बहुत बात, कितना लंबा गैप हो गया है। इंशाल्लाह अब हम आपसे कोशिश करेंगे और वादा भी करते हैं और निभाने की पूरी कोशिश करेंगे कि अब गैप ना हो और कंटिन्यूसली आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम करवाते हैं इंट्रो के हमारे साथ ये मोमित का नया लेटेस्ट वर्जन कैसे आ गया। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मोमित तो भी गैबा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा जो गैप का जो मकसद था ना, तो वो यही था कि मोमित हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो मोमित अब्बास गए हुए हैं, जो उनकी लग गई है वहाँ पर UAE के अंदर दुबई में, तो वो वहाँ पर हैं। तो मोमित हम आपको क्या कहते हैं मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है हमारी एक अच्छी केमिस्ट्री थी और बहुत एक टाइम से हम डे वन से एक साथ काम कर रहे थे। तो अब आप नहीं हैं और काम हमने करना है, क्योंकि इंसान चले जाते हैं और काम कभी रुकता नहीं है। तो उनकी जगह हमने आपको चांस दिया है दोबारा, क्या कहते हैं हमारे साथ हैं हसन रात। तो हसन रात थोड़ा सा अपना इंट्रो दें कि क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है अस्सलाम हमारे वालेकुम, इसको। दिस इज़ मी हसन राहत और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, थिएटर एक्टर हूँ मैं बहुत अच्छा, और शाकिर भाई के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत दिल था रिएक्शन एक्सप्रेस में काम करने का, मैंने इनको कहा हुआ था, मुझे नहीं पता था मोमित भाई को रिप्लेस करके मैं आ जाऊँगा, लेकिन चलें देखते। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने कभी कैमरा इस तरह मतलब रिएक्शन एक्सप्रेस पे फेस नहीं किया और मेरा फर्स्ट टाइम है, चलें देखते हैं। अच्छा शाकिर भाई, हम लोग आज किस पे वो करने वाले हैं? आज हम जा रहे हैं देखने के लिए कि नया ट्रेलर आया है फिल्म का, ऑफिशियल ट्रेलर है और फुकरे पार्ट 3 का, हाँ तो चलते हैं देखते हैं। वी एयर के वो बोलता था कि वी एयर हाँ गो, तो हम जाके हाँ देखते हैं, देखते हैं, बताते हैं। चले वी आर गो टू इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की। तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को बिठाऊंगा कहाँ। और अब मैं चाहूंगा श्री दिलीप सिंह जी दो शब्द कहें। इस स्कूल ने हन्नी भाई और मुझे इतना कुछ दिया है कि हम 7 जन्मों तक इस स्कूल का कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे। भले ही स्कूल के टॉयलेट में पानी नहीं होता था, लेकिन पत्थर जरूर होते थे और उसी पत्थर से हन्नी भाई मेरी और मैं हन्नी भाई की रगड़ रगड़ के साफ कर लिया करते थे। याद है एक बारी तेरी छिलगी थी। भाई मुझे अभी अभी भेजे चूहा। Just I win election, old life back. Delhi will earthquake. अगर गोली जीत गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा? फिकर नॉट, मैंने दो आंख वाला राजा ढूंढ लिया। अपना राजा अकल से अंधा है भाई। मैं बनूंगा ना उसकी आंखें और पंडित जी उसका दिमाग। तुमने ये नहीं बताया कि मैं क्या हूँ चूचे का? तू उसका लेफ्ट हैंड बायां हाथ। कम से कम इलेक्शन में 50 लाख रुपए खर्च होंगे। वो कौन दो डील वो फुकरे? But you is bully under. We not do business of independence. But we get independence in 1947. Why you so late? क्या भौंक रहे हो सारे? कब तक इसे अपने लंगोट से बांध के रखेगा? एक ना एक दिन तो चील चूजे को उड़ा के ले जाएगी। कांग्रेस सरदार जी, आप फिर से चाचा बन गए। आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है। सपने और देजा चूका डंडा मुश्किल से हजम हुआ था, अब ये मतलब इस चूचे का मूत मूत नहीं बारूद है। लाली के साथ भी करें प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, मे आई गो टॉयलेट? श्योर सर। दो नंबर भी? यस सर, इफ यू वांट टू। आइस क्यूब टू? नहीं, मतलब उड़ते हवाई जहाज से नीचे वालों पे। नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्लाइंग क्राफ्ट में बॉडी वेस्ट को आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बर्फ के गोले फूटी रे जी जनाब, ये थी फुकरे पार्ट 3 और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजे की। जिस तरह इस पे तो लग रहा था मुझे अपने आप नजर आ रहा था कि हमारी भी सिचुएशन ऐसी होती है, क्योंकि मैं भी सम टाइम पहली मतलब और आखिरी मतलब भी बैठा था कुछ टाइम पिछले अगस्त को ना, अरे उससे पिछले अगस्त को ना जहाज में।
सो मैंने वो एक मेरा ड्रीम था बैठने का, वो हमारा पूरा सपना पूरा हो गया। कराची टू इस्लामाबाद हम गए थे हमारे दोस्तों के साथ, तो वो इसी हरकत में भी, अच्छा उसको कोविड था, उन्होंने कुछ खाने पीने का भी नहीं दिया था ना, नहीं दिया। तो मैं तो बड़ा बोल रहा था, मैंने कहा यार ये क्या ड्राइवबाजी है, इसे उसमें आया, बाकी मजा बड़ा आया था। मैंने दो पे दोस्त, मैंने कहा भाई मुझे तो विंडो वाली सीट चाहिए ना, तो मैं उससे बैठ गया, मेरे साथ मेरे दोस्त थे सलमान और रिजवान। सो मैंने कहा खबरदार जब उससे कोई भी बात नहीं करे, क्योंकि तुमसे बात करने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ घूमने जा रहा है। मैंने विंडो में देखा सारा, मैंने इंजॉय कर रहा है ना कि किस तरह उड़ रहा है क्या कर रहा है, और वाकई वेरी अमेजिंग, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया मुझे। हालांकि लोग कहते हैं कि जहाज का सफर बड़ा बोरिंग होता है, बट मुझे नहीं लगा, शायद इस वजह से कि 1.5-2 घंटे का सफर था, मुझे लगा मैं तो सोच ही सकता था इतनी स्पीड में जहाज जा रहा था, लग नहीं रहा था उड़ते इस तरह। मतलब वो अनाउंसमेंट कर रहा था ना पायलट की, आज अभी हम यहाँ पहुंच गए, इतनी हाइट पे पहुंच गए हैं, तो मैं हैरान, मैंने कहा यार इतनी भी हम यहाँ पहुंच गए। बाहर फुकरे के हम बात करते हैं, हम ये देख इसका ट्रेलर देखा हमने फुकरे पार्टी का, बहुत शानदार, और 26 सितंबर को ये आ रही है, तो आप देखना मिस मत कीजिएगा। और इसके जो करेक्टर थे, किरदार थे, बहुत जबरदस्त थे। गाना सिर्फ एक ही चला था जो फुकरे वाला चला था, बाकी गानों की तरह आया नहीं। स्पेशली ये पंकज त्रिपाठी साहब जो है वो तो मेरे मोस्ट फेवरेट पर्सन है, और बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं, बहुत अच्छे, मैं उनकी फिल्में देखता रहता हूं। अच्छा मैं जरा फिल्में आपको तो मालूम है, फिल्में मैं वादा जरूर करता हूं आपकी, ये फिल्म हम जरूर देखेंगे, मगर आप देखते नहीं थे ना, वो कहते हैं रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूँ तुम्हारी बात। वाह 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 क्या बात है आपकी। तो तुम्हें कैसी लगी फिल्म भाई? मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, बाकी ये फिल्म जब आएगी मैं जरूर देखूंगा। अच्छा इसमें दो कैरेक्टर नहीं मैं जरूर देखूंगा। अच्छा इसमें दो कैरेक्टर मेरे बहुत फेवरेट थे, एक तो पंकज साहब और एक दूसरा एक लड़का, उसका नाम जो है वो जो कॉमेडियन था क्या रहा था जो पत्थर से रगड़ने वाला, तूने कभी रगड़ी पत्थर से? नहीं मैंने कभी नहीं रगड़ी पत्थर से। नहीं नहीं वैसे मेरे ख्याल में ये लग रहा शायद मैंने कहीं रगड़ी वगड़ी होगी शायद। गाँव गाँव के ना। नहीं वो सिचुएशन कसम तो पानी तो हमारे तो बहुत पानी है, लेकिन ये गांव के तो शायद क्या पता रगड़ भी नहीं पता। ये शहर पे शहर में बल्कि गांव में पानी मिल जाता, शहर में पानी नहीं मिलता। नहीं शहर में पानी, शहरों में नहीं मिलता पानी। हां ये बात हकीकत है, गांव में तो हर जगह हैंडपंप लगे होते हैं, नहरें होती है, तालाब होते हैं, कहीं भी ये पट्टी पे रगड़ के निकल ले पत्ते होते हैं, झाड़ियां होती है, झाड़ियां सब मिल जाती है। शहर में मसला होता है कि बंदा अगर बाथरूम गया और पानी नहीं है तो क्या करेगा बंदा, क्या करेगा। तो ये मुझे लगता है इसने रगड़ी होगी, बता नहीं रहा ऑन द रिकॉर्ड, मैं तो तुम्हें पता, हम तो बता देते हैं भाई। तो बहरहाल बहुत मजा आया ये देखने का सुनने का, और आपके साथ काफी टाइम बाद हमारा टाइम हमें मिला और हमने आपसे बात की, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। यही प्यार, यही मोहब्बत, और यही आप इस तरह हमारे सब्सक्राइब करते रहते हैं और शेयर करते हैं हमारी वीडियोस को, इस तरह दोबारा कीजिएगा, ताकि हम जो जो हमने जो हमारा जो मकाम था जो आगे तक पहुंच गए थे, वापस हम नीचे आ गए हैं, दोबारा अपने इस मंजिल पे हम पहुंच जाएं। और इस पे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। और बताइएगा कि हसन राहत जो किस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें हम दोबारा आगे कंटिन्यू कितना आगे करें, ये आपकी मोहब्बत बताएगी। और यकीन आप मम्मी को मिस कर रहे होंगे, हम भी मिस कर रहे हैं, और कब टाइम हमने सोचा गेप के बाद, फिर हमें कहा यार कर लेना चाहिए, तो हमें दीजिएगा इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिएगा वीडियोस को। यस और कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ आई लव यू, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़।